Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. मैं आज एडवर्ड कॉलेज में प्रिंसिपल साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। एक मिनट थोड़ी खामोशी। मैं दूर से आया हूं आपसे आज बात करने के लिए, तो आपने मुझे पता है कि आपको दो स्पीकर्स की बड़ी इंतजार है, एक मेलू और एक डीजल। बस। अच्छा, एडवर्ड्स कॉलेज और नौजवान फैकल्टी टीचर्स, देखें आपने अब बड़े आराम से और इत्मीनान से मेरी बात सुन ली है, और उसके बाद हम इंशाल्लाह नारे भी लगाएंगे, मेलू को भी याद करेंगे और डीजल को भी। अच्छा देखें, नंबर वन चीज सब प्लीज सुने। नंबर वन, जो मुल्क की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस होते हैं, ये गौर से सुननी है मेरी बात आपने, जो मुल्क की पॉलिटिकल लीडरशिप, वो हमेशा उस मुल्क की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में बनी जाती है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज सदियों तक इंग्लैंड की पॉलिटिकल लीडरशिप, हर किस्म की लीडरशिप दो यूनिवर्सिटी से निकलती थी, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से। जितनी बेहतर तालीम उतने बेहतर लीडर। सो मैं आज आपको लीडरशिप के ऊपर बात करने आया हूं। सबसे पहले लीडरशिप आपको याद रखना होगा, अभी नहीं, कि जो दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा लीडर ना कभी आया है ना आ सकता, उससे ज्यादा वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। कभी भी एक किताब है अंग्रेजी की, 100 ग्रेटेस्ट मैन, जो किताब है 100 ग्रेटेस्ट मैन, एक पता नहीं हार्ट उसका नाम है, उसने किताब लिखी हुई है, उसमें नंबर वन जो दुनिया की तारीख का वो कहता है सबसे ग्रेट आदमी वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और वो क्यों थे, अब मैं देखें आप फ्यूचर लीडर्स हैं, आप फ्यूचर लीडर्स हैं, और मैं आपको बेसिक लीडरशिप की क्वालिटीज देना चाहता हूं, और आपने अभी नारे नहीं मारने क्योंकि ये तो जलसा हो गया, मैं तो सोचा था कि मैं आपको तरबियत करके जाऊंगा यहां से। सॉरी, देखें सुने, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली चीज मदीना के अंदर की वो थी रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती, इंसाफ, अदल, ये बुनियाद रखी थी उस माशरे की जिसने चंद ही सालों के अंदर दो सुपर पावर्स को, रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर को गिरा के कई सौ साल तक मुसलमान दुनिया की सुपर पावर रहे, और उन्होंने दुनिया की
इमामत की, तो उसकी जो बुनियाद रखी गई थी वो रूल ऑफ लॉ पे थी। और रूल ऑफ लॉ मैं आपको समझा दूंगा क्या होता है। रूल ऑफ लॉ होता है जो इंसान को, इंसान के माशरे को और जानवरों के माशरे को फर्क करता है। जानवरों के माशरे में रूल ऑफ लॉ नहीं होता, माइट इज राइट, जिसकी ताकत वो कानून के ऊपर, और कमजोर के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं होती जानवरों के माशरे में। इंसानों के माशरे में हमेशा कानून के नीचे सब होते हैं, कोई कानून से ऊपर नहीं होता। तो जब एक कुरैश की लड़की ने चोरी की और वो लोग आ गए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते कि वो कुरैश की लड़की है, इसको सजा ना दें, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरी बेटी भी चोरी करती तो उसको भी मैं सजा देता, कोई कानून के ऊपर नहीं। और फिर एडवर्ड्स कॉलेज, फिर सेकंड चीज ये याद रखें कि डिफरेंस बिटवीन अ सिविलाइज सोसाइटी एंड अ बारबेरिक सोसाइटी इज वन, जिसको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जब एक कमजोर चोरी करता था तो वो जेल में, लेकिन जब ताकतवर चोरी करता था तो उसको पकड़ा नहीं जाता था, उसको एनआरओ मिल जाता था। 1500 साल पहले उन्होंने कह दिया, अभी 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 मुझे पता है आपने मेलू को दावत दी हुई है या। अच्छा सुने, तो जब ये सुन ले कि आज दुनिया के अंदर जो हमारे नबी ने 1500 साल पहले कहा था, आज एक यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल, उसके नीचे एक पैनल जिसको कहते हैं फैक्ट आई पैनल, उसकी ड्यूटी लगी कि दुनिया में बताएं कि क्यों अमीर और गरीब मुल्कों के बीच में फासले बढ़ते जा रहे हैं। उस पैनल को कहा कि रिसर्च करो कि गरीब मुल्क क्यों गरीब होते जा रहे हैं और अमीर मुल्क क्यों अमीर होते जा रहे हैं। तो पैनल की फाइंडिंग ये थी कि गरीब मुल्क इसलिए गरीब हो रहे हैं, इसलिए नहीं कि वसाइल की कमी है, इसलिए गरीब हो रहे हैं कि वहां के जो रूलिंग एलीट, उनकी क्यादत, उनके पैसे वाले लोग एलीट, वो उनके मुल्क से पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर भेजते हैं, ऑफशोर अकाउंट्स पे भेजते हैं, और उनका कानून उनको पकड़ता नहीं है। और जब ताकतवर या प्राइम मिनिस्टर या उसके मिनिस्टर जब वो मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर भेजते हैं, मुल्क का दिवालिया निकल जाता है, मुल्क मकरूज हो जाता है, उस मुल्क में गुर्बत हो जाती है। तो अभी, अब जरा सुने, अभी एक पाकिस्तान सारी कौम के सामने आज एडवर्ड्स कॉलेज सुनो, सारी कौम के साजा सामने आज हमारे जो आने वाले दिनों में तबाही का रास्ता है वो आपके सामने आ रहा है कि बड़े बड़े डाकू जो चोरी करके इस मुल्क का पैसा बाहर ले गए थे, इनको एनआरओ दिया गया,
इनको डील करके इनके केसेस खत्म किए गए। मेफेयर की अपार्टमेंट्स जो पैनामा पेपर्स के अंदर पकड़ी गई थी, अरबों रुपए की, लंदन के सबसे महंगे इलाके में जो चार अपार्टमेंट्स जिसके ऊपर जब मरियम से पूछा गया तो उसने कहा मेरे पास लंदन तो छोड़े पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं। और जब पैनामा में अपार्टमेंट्स पकड़ी गई तो उसका भाई हुसैन कहता अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी अपार्टमेंट्स और मरियम इसकी मालिका है। आज हमारे पाकिस्तान में अदालत में उसको बरी कर दिया। अब आज हम सारे सवाल पूछ रहे हैं। क्या डीजल ने नहीं बरी किया, अदालतों ने बरी किया है। और ये क्यों हुआ है ये जरा गौर से सुने। एक मिनट खामोशी, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका मुस्तकबिल तबाही की तरफ जा रहा है अगर ये इसी तरह सारे बड़े बड़े डाकुओं के करप्शन के केसेस अरबों रुपए के माफ होते रहे तो आपका मुस्तकबिल है। कोई मुस्तकबिल नहीं है इस मुल्क में। मैं इसलिए आज आप अपने यूथ के सामने आया हूं, अपने नौजवानों के सामने, कि आप जिधर आज पाकिस्तान खड़ा है, सुनो जिधर आज पाकिस्तान खड़ा है, पहले चोरी करके पैसा बाहर ले जाओ, मुशर्रफ फिर उसको 2008 में एनआरओ दे वो वापस आ जाओ, 10 साल मुल्क को लूटो, 4 गुना कर्जा मुल्क के ऊपर चढ़ा दो और फिर डील करके एनआरओ लेके फिर वापस आ जाओ और फिर लूटो। किसी भी मुल्क में जब ये होता है कोई मुस्तकबिल नहीं है उस मुल्क का, क्योंकि मुल्क मकरूज हो जाता है। ये लोग इनके बच्चे अरबोंपति बन जाते हैं। अब इन्होंने जो एनआरओ लिया है, ये सुने एडवर्ड्स कॉलेज, 1100 अरब रुपया जो इस कौम का चोरी हुआ था वो माफ हो रहा है, वो सब माफ हो रहा है। चंद सौ लोगों की जेब में 1100 अरब रुपया चोरी का जाएगा और कौम आज पाकिस्तान की बदतरीन महंगाई में डूब रही है। कौम नीचे जा रही है, कर्जों में डूब रही है, महंगाई में डूब रही है, इकोनॉमी नीचे जा रही है और ये थोड़े से लोग 1100 अरब रुपया इनकी जेब में गया। इसलिए मेरे पाकिस्तान के नौजवानों सुन लो, स्टूडेंट्स, आपका मुस्तकबिल अगर ये होता रहा इस मुल्क में, कानून इन्होंने क्या बनाया है ये सुने जरा। 2 चेंजेस किया इन्होंने कानून के अंदर। एक चेंज किया है कि कोई बाहर से इंफॉर्मेशन आए, मसलन किसी का पैसा बाहर पड़ा हो चोरी का और बाहर से पैसा आए तो वो एडमिसिबल नहीं है। इसका मतलब कोई इंफॉर्मेशन बाहर से आए, इन्होंने कानून पास अपने आप को बचाने के लिए किया है कि वो एडमिसिबल नहीं है। और दूसरा, सारी दुनिया में व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ने के लिए अगर मैं गवर्नमेंट में हूं, मेरे सासे मेरी आमदनी से बहुत बढ़ गए हैं तो मेरी जिम्मेदारी होती है बताए कि किधर से पैसा आया। इन्होंने वो कानून चेंज कर दिया। अब इनको पता है कि ये सारे जो 4 अरबों रुपए के महलात लंदन में, इनको पता है ये शरीफ खानदान के हैं, लेकिन ये कह रहे हैं नैब को कि तुम साबित करो कि इनके, वो कर ही नहीं सकते।
इसका मतलब कि व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ी जा ही नहीं सकती। इसका मतलब कि पाकिस्तानियों को एक पैगाम दिया है कि अगर डाका मारने तो बड़ा डाका मारो, छोटा चोर सिर्फ पकड़ा जाएगा, बड़ा डाकू यहां नहीं पकड़ा जाएगा। और आज मैं इस मुल्क के जो महाफिज हैं, मैं आज उनसे सवाल पूछता हूं, मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि क्या अगर डाकू एक घर को लूट रहे हो तो क्या चौकीदार कह सकता है कि मैं न्यूट्रल हूं? घर वाले क्या कहेंगे कि मेरा घर लूटा जा रहा है लेकिन चौकीदार कहता है मैं न्यूट्रल हूं? पाकिस्तान लूटा जा रहा है इस वक्त, हमारा मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है और जनाब वहां से कहते हैं जी हम तो न्यूट्रल हैं। मैं इनसे ये पूछता हूं कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, ये गौर से सुने, इसमें खैर एक दो तीन चीजें सामने आ गई। एक तो ये कि अभी भी पेट नहीं भरा, अपना एनआरओ लेके अभी भी अपने दामाद को मरियम पैसा बनाने की कोशिश कर रही है, उसके लिए हिंदुस्तान से मशीनरी इंपोर्ट करने की बात कर रही है जो बैंड है, पैसे बनाने के लिए। और फिर शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि फिक्र ना करो, अभी ये मुजरे में साकदार आएगा, पैसे बन जाएंगे, ये लीक्स में है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की अगर सिक्योरिटी ब्रीच हुई है तो इसका मतलब कि हमारे दुश्मनों के पास हमारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चला गया है। कौन जिम्मेदार है इसका, कौन जिम्मेदार है? और अगर न्यूट्रल्स का यह काम है कि सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ के दबाओ, मीडिया को बंद करो, एआरवाई को बंद करो, बोल चैनल को बंद करो, अगर ये तुमने करना है तो ये मुल्क के इंटरेस्ट की हिफाजत कौन करेगा? क्यों एडवर्ड्स कॉलेज बताओ, कौन करेगा? आप करोगे? तो एडवर्ड्स कॉलेज, मैं ये चाहता हूं, ये अपने जेहन में डाल लो, जब भी कोई कहे ना कि मैं सियासी नहीं हूं, जब भी वो कोई कहे कि मैं गैर सियासी हूं, तो ये समझ रहा हूं कि उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं है। जानवर गैर सियासी होता है, शेर आके एक हिरन को पकड़ लेता है, बाकी हजारों हिरन होते हैं क्योंकि गैर सियासी होते हैं, अपनी जान बचा के भाग जाते हैं। सियासी का मतलब एरिस्टोटल ने 2500 साल पहले, एडवर्ड्स कॉलेज सुनो, बहुत बड़ा स्कॉलर था ग्रीक एरिस्टोटल, 2500 साल पहले वो कहता है कि अगर माशरे में जुल्म और नाइंसाफी हो तो सब उसके खिलाफ खड़े होंगे, उसके खिलाफ जिहाद करेंगे और पॉलिटिकल होंगे, मुकाबला करेंगे जुल्म और नाइंसाफी का। उसके बाद हमारे अल्लाह ने कुरान में हमारे लिए जिहाद फर्ज की। जिहाद क्या है? जुल्म का मुकाबला करना, नाइंसाफी का मुकाबला करना। जो माशरा जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ नहीं खड़ा होता, उस माशरे में और भेड़ बकरियों में कोई फर्क नहीं होता। हुक्म है ऊपर वाले का कि इस तरह की जब नाइंसाफी हो तो सब शहरी उसके सामने खड़े हों, और जब आप जुल्म का मुकाबला करते हैं जुल्म खत्म हो जाता है, जब जुल्म के सामने सर झुकाते हैं माशा तबाह हो जाता है। और मैं एडवर्ड्स कॉलेज आप सबको कहूंगा कि आगे ये सवाल पूछें कि इस मुल्क में जिधर बड़े बड़े डाकुओं को बार बार एनआरओ मिलता है,
इंसाफ का निजाम पकड़ नहीं सकता। जो मुल्क में ताकतवर, अपने आप को ताकतवर बना के बैठे हुए हैं मुहाफिज, वो कहते हैं हम न्यूट्रल हैं। वो मुल्क का क्या मुस्तकबिल होगा? जैसे ही पिछले पांच महीने में, जब से ये इंपोर्टेड हुकूमत आई है, रुपया 33% गिरा है। यानी अगर आपके बैंक में 100 रुपया था तो वो सिर्फ 67 रुपया रह गया, और अगर आपके पैसे बाहर पड़े थे डॉलर्स में और लंदन में और ऑफशोर अकाउंट्स में, तो पाकिस्तान के लिहाज से 33% आपकी आमदनी में इजाफा हुआ है। तो यहां लोगों की दौलत में कमी, उधर इजाफा, और हम अगर ये चुप करके कहेंगे जी हम तो गैर सियासी हैं, तो फिर जो भी मुश्किलात, जुल्म इस माशरे पे होते रहेंगे, हम जिम्मेदार हैं उसके। तो इसलिए आज सबके एडवर्ड्स कॉलेज ये याद रखना, आज मैं जो कह रहा हूं कि इंशाल्लाह मैं सारी कौम को तैयार कर रहा हूं, कॉल दे रहा हूं इस इंपोर्टेड करप्ट हुकूमत के खिलाफ, मुझे अगर अकेले भी निकलना पड़े मैं इनके खिलाफ निकलूंगा। ना बस 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 ना ना मुझे अपनी सारी कौम को कहना चाहता हूं कि अगर मुझे किसी चीज का खौफ नहीं, ना मुझे जेल का खौफ है, ना मुझे अपनी जान की कुर्बान करने का खौफ है, कौम को भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारा जब अल्लाह से आप दावा करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, कि नहीं है कोई सिवा अल्लाह के, कोई खुदा अल्लाह के सिवा नहीं है, किसी के सामने नहीं झुकते सिवा अल्लाह के, आपके अल्लाह खौफ दूर कर देता है। तो मैं अपनी कौम को भी आज तैयार कर रहा हूं कि मैं किसी सूरत ये जो मेरी कौम पे डाका डाला जा रहा है इन चोरों का, मैं ये कभी नहीं एक्सेप्ट करूंगा, और मैं अपनी कौम को तैयार करूंगा। कॉल की सारे मेरे इंतजार करना, और जब मैं कॉल दूंगा इंशाल्लाह उसके बाद कोई वापसी नहीं होगी। अच्छा, आखिर में एडवर्ड्स कॉलेज, मैं चाहता हूं कि आप मेलू को भी दावत दें और डीजल को भी। डीजल से पूछे, डीजल से एक सवाल पूछे कि अल्लाह तो हमें वाज़े तौर पे कुरान में हुक्म देता है अमर बिल मारूफ, अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ खड़े हो, तो तुम डीजल साहब चोरों के साथ कैसे खड़े हो गए हो? और मेलू से पूछो कि मेलू तुम्हारा तो जो बड़े थे वो बादशाह खान था, एक बड़ा लीडर था, तुम ये किधर जाके एक मुजरिम, एक सजा याफ्ता नवाज शरीफ के चेले बन गए हो? पूछे उसे। और एडवर्ड्स कॉलेज, मैं आप सबको आखिर ये कहता हूं, आपने बनना है फ्यूचर लीडर्स, और आपने हमेशा इंसाफ के साथ खड़ा होना है, जुल्म का मुकाबला करना है, हमेशा आपने अच्छाई के साथ, अमर बिल मारूफ अच्छाई के साथ खड़ा होना है, और बुराई के खिलाफ जिहाद करनी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।